समझो या फिर शॉर्ट्स हो, ये प्रोडक्ट हर जगह वायरल है, लाखों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग खरीद रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो हे दोस्तों, आप लोग वीडियोस यहाँ पे हमारे पास नाइसर डाइसर देखते हैं ये कितना अच्छा है, कितनी तेजी से वर्क करता है, और भाई सच में वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इनके सारे पीसेस मिले हैं, 12 अटैचमेंट हैं जो भी हैं, इनको रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं किसी एक अटैचमेंट के साथ। भाई कुछ ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये अटैचमेंट यूज करने वाले हैं, और ये रहा इसका मेन बॉक्स। थोड़ा बहुत मैंने यूज करके भी देखा है प्रैक्टिस के लिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से फिक्स होता है, ठीक है। ये सेव है, ये सेव है, मुझे तो पता ही नहीं था। इसे फल भी काट सकते हैं, सब्जियां तो काट सकते ही है, इसलिए मैं फल से शुरुआत करता हूँ। इसको यहाँ पे रखना है, हम लोग इसे डायरेक्टली नहीं रख सकते, थोड़ा छोटा करना होगा, नहीं तो भाई इसकी वाट लग जाएगी। तो हम लोग इसे बीच से कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, समझ गए ना आप लोग। अब ये यहाँ पे आधा आ जाएगा, अभी भी आए, बड़ा पड़ रहा है, समझ गए ना आप लोग। इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हटाना पड़ेगा, समझ गए ना आप लोग। अबे साले, तो देखो ये है इसकी रियलिटी, टाइम तो बचाता है लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अब ये आराम से यहाँ पे फिट हो गया है, अब देखते हैं सेब कैसा कटेगा। बोलो जय श्री राम। ओ भाई साहब, मतलब अगर ज्यादा सेब काटने हो तो रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। ये देखो छोटे छोटे पीसेस में सेब कट गया है। इसके बॉक्स में बना हुआ कि भाई ये टमाटर को स्लाइसेस में कट कर देता है। आइए इसकी भी रियलिटी टेस्ट करते हैं, लेकिन हमें इसके लिए कड़क टमाटर चाहिए, नहीं तो प्योरी बन जाएगी। यहाँ पे इसे पलटना होगा ऐसे, अब टमाटर को ऐसे रखना होगा, उम्मीद है प्योरी ना बने इसकी। अरे मारे मैया, अब तो मेरी स्पीड स्लो थी, हग दिया। थोड़ा भाई टमाटर मुलायम था, अच्छा मुलायम टमाटर मत यूज करना, स्लाइस नहीं बनेगी। हमको सिखा दिया है, करेक्ट टमाटर मांग के ले आया हूँ मैं, उम्मीद है कि बस स्लाइस बनेगा। ओ भाई साहब, स्लाइसेस बन चुके हैं, ये देखिए जैसे बॉक्स में बना वैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक स्लाइसेस बन गए हैं। ये प्याज गया स्लाइस वाले में, क्या बना होगा। ओ भाई साहब, कुछ इस तरीके से लंबे लंबे प्याज कट के आए हैं, सलाद के लिए काफी सही रहेंगे। अब बारी है इस अटैचमेंट की, जिसमें और भी छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं। सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये रखा है यहाँ पे मैंने, और बोलो जय श्री, अरे बोलो जय श्री राम। मुझे लगा मशीन गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे वाओ, क्या जबरदस्त तरीके से फ्रेंच फ्राइज कुछ ही सेकंड में बन गए। मुझे लगता है इसमें टॉपिंग्स भी कट कर सकते हैं, इसलिए अब ज्यादा प्याज पूरा का पूरा देखते हैं कैसा प्याज कटेगा इसके अंदर। वाओ, लंबे लंबे प्याज कटे हैं यार यहाँ पे, लेकिन अभी भी ये टॉपिंग्स के लिए सही नहीं लग रहे हैं। टॉपिंग्स के लिए प्याज काटने के लिए प्याज को बीच से अलग करना होगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना होगा। जी हाँ, अब कटे हैं प्याज टॉपिंग्स के लिए, ये देखो है ना कितने मस्त। भाई मशीन तो अभी तक काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसी तरीके से हम लोग शिमला मिर्च भी टॉपिंग के लिए काट सकते हैं, या फिर कोई भी सब्जी। भाई बहुत ही प्यारे कटे हैं यहाँ पे शिमला मिर्च। और अगर आपको सब्जियों के बड़े पीसेस काटने हो तो इसका साइज बदल लेंगे और बड़ा वाला लगा लेंगे। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च रखता हूँ, और ये देखो बड़े बड़े पीसेस कट गए हैं शिमला मिर्च के। और सिर्फ शिमला मिर्च ही नहीं, आलू के भी बड़े बड़े पीसेस सब्जी के लिए काट सकते हैं। और यही नहीं, पत्ता गोभी भी बड़े ही आसानी से काट सकते हैं। हमें सिंपली पत्ता गोभी का एक बड़ा सा पीस लेना है, इसे रखना है यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब, क्या ही जबरदस्त पत्ता गोभी कटी है। पत्ता गोभी काटने में कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे एक ही झटके में खत्म। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बड़ा पीस इसके आकार का ही हो, इससे बड़ा ना हो। तो इस पार्ट का हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं, सब थोड़ी ना मैं बताऊंगा, कुछ अपना दिमाग भी यूज करिए। और अगर हमें इसमें गाजर घिसना है तो सबसे पहले लगाना होगा ये वाला अटैचमेंट कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमें मिलते हैं दो साइज ग्रेटर, मोटा वाला पत्ता वाला, जरूरत के हिसाब से यूज करिए। जैसे कि मैं टेस्ट करता हूँ मोटे वाले को, यहाँ पे फिट किया, गाजर घिसते हैं। तो भाई साहब ये देखो, गाजर भी काफी अच्छी तरीके से हमने इसमें घिस लिए। गाजर से याद आया, हम लोग इसमें टॉपिंग्स के लिए गाजर भी कट कर सकते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिया गाजर, इसको किया खंडित दो पीसेस में, और ये गया इसके अंदर। अब देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट। अरे कहाँ फंस गया, गाजर बहुत कड़क है। और फिर से एक बार गाजर कटी नहीं,
तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर से गाजर ले, लेकिन अब की बात थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको बीच से अलग कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो गाजर अब की बात थोड़ा संभाल के रखा है, और ये हाँ फाइनली इस बार वाओ क्या बेहतरीन पीसेस निकले हैं गाजर के। ऐसे काटने में मैनुअली तो भाई हालत खराब हो जाएगी, कितना जबरदस्त है। ये बची हुई भी मैं काटूंगा। क्या परफेक्ट पीसेस हैं गाजर के। और अगर मैं कचालू या फिर चिप्स के लिए आलू के मोटे स्लाइस निकालने हो तो ये काम आएगा, चिप्स बनाना हो तो भाई ये काम आएगा। चिप्स के लिए ट्राई करते हैं भाई, थोड़ा लचीला है देखो, ये अंदर घुसा जा रहा है। रिजल्ट देखते हैं भाई ये कैसे हैं, मुझे तो ये परफेक्ट नहीं लग रहे हैं। ये देखो भाई पतला वाला मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मोटा वाला भी टेस्ट कर लेते हैं इसी के साथ। ये वाला फिर भी सही लग रहा है, एक बार फिर से, शायद मुझसे सही से कट नहीं हुआ। ओहो मैं ही नहीं कट कर पा रहा था। तो मोटे वाले से कुछ ऐसे आलू आए हैं भाई, काफी सही हैं, और इतने भी मोटे नहीं आए हैं। पतले वाले से फिर से ट्राई करते हैं। पता नहीं क्यों पतला वाला ठीक से वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हमें सलाद के लिए खीरा काटना हो या गाजर काटनी हो या मूली घिसनी हो या सलाद के लिए प्याज घिसना हो, इसमें रिजल्ट्स बड़े जबरदस्त आते हैं भाई। सबसे बेस्ट कौन से कटे आप लोग कमेंट में बताओ, मुझे तो भाई सब कुछ अच्छा लग रहा है। भाई सलाद तो बहुत अच्छा काटा, लेकिन लौकी काटना मैं भूल गया, इसे भी काट के दिखाता हूँ। ये गए लौकी इसमें, और क्या ही जबरदस्त लौकी कटी है। मेले में तो मैंने देखा था भाई इसमें पालक भी लोग काट रहे हैं, आखिर कैसे, थोड़ी पालक के साथ ट्राई करते हैं। इसके लिए थोड़ी पालक लेनी होगी ऐसे, और इसको सीधा यहीं पे रखना होगा ऐसे, पता नहीं कटेगा कि नहीं। भाई साहब कहाँ कहाँ फंस गई, अरे एक्चुअली मेरी पालक थोड़ी मुलायम हो गई है, बाकी कट तो पालक भी इसमें रही है काफी अच्छी तरीके से। अगर इसमें पालक काटनी है तो भाई पालक एकदम फ्रेश होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर पालक फंस जाए, कुछ भी फंस जाए, तो हमें पुश का बटन दिया है, इसे दबाइए और ये साफ। इसके अलावा हमें एक पीलर भी मिला है, जिससे हम लोग आलू पील कर सकते हैं या फिर कुछ भी पील कर सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे हमें एक और अटैचमेंट मिला है, जिसमें हम लोग चीज को ग्रेट कर सकते हैं पिज्जा में डालने के लिए। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया, काफी ज्यादा अच्छा है, कुछ कमियों को छोड़ देते हो, थोड़ा प्रैक्टिस की भी जरूरत है, बाकी का चीज कमाल की है। आपको लेना है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके ले सकते हैं, मेले में ही नहीं अमेज़न में भी मिलता है। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी जान पाए कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी आता है